माय डियर कैंडिडेट, कल पूरे वीडियोस में मैंने आपको बहुत सारी कंपनी बताई थी, उसमें सारी कंपनी की प्रोफाइल और रोज उनके पैकेजेस वगैरह मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। देखिए, ऑब्जेक्टिव mysorejob.com संस्कार सोसाइटी का एक है कि आपको एक अच्छी जॉब जो आपके मन में है वो दिलाई जा सके। कभी कभी कुछ लोगों का ये जो ड्रीम है ये पूरा नहीं हो पाता, उसके पीछे दो कारण हैं मेजरली। लोगों की आदत पड़ी है कि जब आप उनसे पूछिए कि आप अपने बारे में बताइए, तो लोग करते क्या हैं कि लोग नॉर्मली जो रिज्यूम बनाएंगे, जो भी करेंगे, जो जो जनरल होता है कि जो उन्होंने किया वही बता देते हैं और वो रिज्यूम भेज देते हैं। 90% लोगों की यही सबसे बड़ी गलती होती है। कंपनी को जो चाहिए होता है वो उनके माइंडसेट में कि हमें ऐसा बंदा दिखेगा तो उसको हम चुन लेंगे। कभी कभी आपने वही काम किया होता है बट आपका जो प्रेजेंटेशन का स्टाइल है वो उस कंपनी में एक्सेप्ट नहीं होता है, क्योंकि उनकी देखने की नज़रिया अलग है और आपका देखने का नज़रिया अलग है। अब इसको मैच कराने से बहुत बड़ा काम किया जाता है। तो माय डियर कैंडिडेट, मैं आप सबसे एक बात कहूँगा कि आपका प्रेजेंटेशन और उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो समझने के बाद आप बोलिए। इसीलिए कभी कभी बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो लोग जो कंसल्टेंसीज ने आज की आदत डलवा दी है, तुम आ जाओ तुमको हम एड्रेस दे देंगे और भेज देंगे, और चार पांच एड्रेस देने के बाद में तुम्हारी लग गई ठीक है, नहीं तो खुद ही थक के बैठ जाओगे तुम। हम लोगों ने अपने आप एक दूसरे सिस्टम को किया है कि किसी भी कैंडिडेट को अगर जॉब चाहिए, अगर वो हमारे यहाँ पर फिज़िकली आ रहा है तो हम लोग सामने ही कंपनी में तुरंत बात करके उसको पैकेज को लाने के लिए भेज देते हैं। कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो बड़ा पैकेज चाह रहे होते हैं बट उनके पुराने बैकग्राउंड में वो बड़ा पैकेज नहीं आता है, उनको हम ये एडवाइस करते हैं कि आप जो हमारे यहाँ से एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं उनमें प्रोफाइल मेकिंग में आकर के आप उसको समझ सकते हैं कि प्रोफाइल मेकिंग क्या है, क्यों आपको एक बड़ा पैकेज मिल सकता है, कैसे मिल सकता है, क्या होमवर्क कर लिया जाए। इसका हम लोगों ने कभी वीडियो नया अभी कल मन में जितने भी उभार थे जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग के, वो एक चैनल में मैंने डाल दिया है, वो अभी आपको दिखाई देगा। जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग में थोड़ा सा बड़ा हो सकता है बट अंदर का पूरी भावना उसके साथ में है, तो उसको ज़रूर देख लीजिए कि कैसे आपका प्रोफाइल, क्योंकि आप जो करके आए हैं उसी के बेसिस में आपको पैकेज नहीं मिलने वाला है। हर इंडस्ट्री आपको वेलकम नहीं करेगी उसी के बेसिस पे। आपको क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी बातें आपके लिए बताई गई हैं जॉब प्रोफाइल ट्रेनिंग में। उसको सब्सक्राइब भी करते रहिए और साथ साथ में उसको देखते भी रहिए, रोज़ कुछ ना कुछ उसमें मैं आपके साथ ये डालता रहूँगा कौन कौन सी प्रोफाइल हैं, कौन कौन सी प्रोफाइल में कैसे होमवर्क किया जा सकता है, और उससे रिलेटेड कंपनीज भी उसमें हम बताते रहेंगे आपको। फिलहाल अभी आज के बारे में मैं आपको बता दूँ कि कल जैसे मैंने आपसे, तो एक पहली गलती आपको समझ में आ गई, प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। आप केवल अपने बारे में हर जगह मत बोलिए, उनको चाहिए क्या ये समझ कर ये अपने बारे में बोलेंगे, रिलेट करेंगे, तो वो मीनिंग ही अलग हो जाता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, बहुत बड़ा होमवर्क है ये एक एक कैंडिडेट में, जो सिर्फ ऐसा नहीं कर सकते कि आपको कंपनी का एड्रेस दे दें, आईडी दे दें, उन्होंने कहा कि एक रिक्वायरमेंट ऐसी है और हम आपको भेज दें। आपने कुछ भी किया होगा बट उनकी चीज़ को समझना, उनको पूरी बात आपको दिखाना, इवन बहुत सारी कंपनीज के हमारे पास में जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है, उनके जो ऑडियोज़ होते हैं उसके हिसाब से भी हम लोग आपको पूरी चीज़ को बताने का प्रयास करते हैं कि देखो ये इनकी रिक्वायरमेंट है, ये चीज़ें हैं और ये इन्होंने कहा है। अभी कैंडिडेट ने मान लीजिए मुझे अकाउंट्स में कहा, तो अकाउंट्स में क्या, कौन सी इंडस्ट्री का अकाउंट, कौन उनका क्या प्रोफाइल है, या टेक्निकल में कहा तो उनका क्या प्रोफाइल है, इन बातों को बिना समझे नहीं भेजा जा सकता है। इसलिए माय डियर कैंडिडेट, पूरा वीडियो देखने की आवाज़ डालिए, अपना प्रेजेंटेशन को ठीक करिए, उनकी ज़रूरत को समझ करके अपने बारे में बोलना हो या अपने बारे में आप उनको बताना चालू करिए। जैसे कल मैंने आपसे कहा था, कल मैंने तीन शॉर्टलिस्ट करे रिज्यूम और लोहिया में इंजेक्टो में मैंने ट्राई करके तीन कैंडिडेट का प्रोफाइल भेजा। प्राइमरी बेसिस में उन्होंने टेलीफोन को तुरंत फ़ोन किया और दो लोगों को तुरंत रिजेक्ट कर दिया। अब उसका रीज़न अगर मैं पूछूं आपको, तो उन्होंने ये नहीं समझा कि उन्हें चाहिए क्या, उनका पैकेज क्या है, और उनकी बातें सुन करके मना हो गया। एक के प्रोफाइल में लिखने में कुछ गलती हो गई थी तो उसको हम लोगों ने चेंज करा करके दोबारा से भेजा और उसका टेलीफोनिक होकर के ट्रायल के लिए भी बुलाया गया है। ये बहुत बड़ा काम करता है। एनालिसिस ऑफ योर प्रोफाइल अकॉर्डिंग टू कंपनीज जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी है।
जब आपकी शादी हो रही है तो उनको चाहिए क्या, हम वहाँ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, शादी होने से पहले डिस्कशंस होते हैं ऐसे कंपनी से, जब मैरिज होने जाती है तो आपका डिस्कशन एक चाहिए होता है। इसलिए लोहिया के इंटरव्यू इस वीक का बहुत बड़ा पार्ट है जो चल रहा है, उन्होंने बहुत डिटेल में JD शेयर किया है, एक एक प्रोफाइल के बारे में बताया है, और उन्होंने इस बात के लिए कहा भी है कि जो कुछ भी शेयरिंग होती है पहली बार हम आपके यहाँ पे करते हैं, और अगर क्योंकि आपको जो कैंडिडेट सही लगते हैं आप भेजिए, पर वो कैंडिडेट एक्टिव भी हों, कैंडिडेट को पता भी हो कि उनका इंटरव्यू होगा, उनको जानकारी भी सारी हो, और आपने पूरा उनको प्रोफाइल ब्रीफ कर दिया। इसीलिए मैं आप सबसे कहूँगा कि जो लोग भी लोहिया इंजेक्टो में इंटरेस्टेड हैं, जो भी करना चाह रहे हैं या अदर कंपनीज में चाहते हैं, तो उसको पूरा समझने के लिए आप ऑफिस में बिना विजिट के मत सोचिए कि काम हो पाएगा। कुछ लोग बहुत बिजी हैं तो फ़ोन से उनसे किस तरह से किया जा सकता है वो समझ सकते हैं। देखिए पूरे दिन आजकल हम लोग एक काम कर रहे हैं, कैंडिडेट्स को प्रोफाइल पेड सेशन में जिन जिन लोगों ने इनरोल किया हो उनको रोज़ ट्रायल अप कराए जा रहे हैं। रोज़ ट्रायल करिए, रोज़ इंटरव्यूज़ दीजिए, रोज़ ट्रायल करिए, रोज़ इंटरव्यू दीजिए, रोज़ ट्रायल करिए, रोज़ इंटरव्यूज़ दीजिए। एक नया फीचर ऐड कर दिया है, कितना आपको रगड़ दिया जाएगा कि आपको नज़र आएगा, आपको रगड़ दिया जाएगा इतना कि आपको नज़र आए। माय डियर कैंडिडेट, इसीलिए मैं इस बात को मेंशन कर रहा था कि लोहिया की जितनी बातें मैं बता रहा हूँ उसको ढंग से सुनिए, फिजिकली आइए, और लोहिया के अलावा अब जितनी मैं प्रोफाइल बता रहा हूँ पहले वो वाले आइए, अब सभी प्रोफाइल के लोगों को सेकंड में रखिए, सब लोग एक ही जगह थोड़ा ना चले जाएंगे भैया, और भी बहुत सारी कानपुर में कंपनियाँ 3,500-4,000 कंपनियाँ हैं, उन सब में सबको जाना है, जो इसके लायक होगा वो इसमें जाएगा, जो अदर भी लायक होगा अलग में जाएगा। लेकिन ड्रीम कंपनी होना कोई बुराई नहीं है, बट ड्रीम कंपनी के लिए पीछे पड़ जाना बुराई है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ लोहिया थर्ड में अभी बहुत लोगों की, लोहिया थर्ड दूसरी कंपनी है जो उसके पीछे पड़े थे, उनमें से बहुत लोगों की छटनी हो गई थी बीच में और दूसरी कंपनी में उनको भेजना पड़ा था। सपने देखो, पर ज़रा संभल के सपने देखो कि कोई बुराई नहीं है, अदर कंपनियाँ भी चल रही हैं, अच्छा बिजनेस दे रही हैं, बहुत बड़ा टर्नओवर उनका भी है, वहाँ भी अच्छी प्रोफाइल्स हैं। अब कहीं कहीं पर कुछ मालिक उनके जो ओनर्स हैं वो सनकी हैं, कहीं कहीं पर नहीं सनकी हैं, अब सबको बर्दाश्त करने की क्षमता सबकी अलग अलग है, वो अलग अलग है। बात दूसरी है, कहीं पे प्रोफेशनल आपको ऑर्गेनाइज दिखाई देगा, कहीं पे देसी तरीके से चला रहे होंगे, अरे वो पैसा दे रहे हैं आपको, थोड़ा सा आप सभी चीज़ों में एडजस्ट करना सीखिए, सभी ऑर्गेनाइजेशन प्रोफेशनल नहीं हो सकते हैं, तो आपको भी एडजस्ट करने की आर्ट आनी चाहिए। चलिए मेरे ज्ञान की बात हो गई, अभी आ जाते हैं आज की कंपनी की बात में। फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लोहिया इंजेक्टो के जितने भी टेक्निकल बंदे हैं वो थोड़ा सा प्रोफाइल को ढंग से सुन ले जरा, टेक्निकल वाले पहले हम कह क्या रहे हैं। डिप्लोमा मैकेनिकल प्रोडक्शन या डिप्लोमा मैकेनिकल में दो प्रोफाइल हैं, असिस्टेंट सुपरवाइज़र, असिस्टेंट क्वालिटी सुपरवाइज़र। मैं असिस्टेंट सुपरवाइज़र के लिए आपको बता रहा हूँ क्या चाहिए हमें, जिसने असेंबली सेक्शन प्लानिंग में काम किया हो, सुपरविजन किया हो, मैन पावर मैनेजमेंट किया हो, रिजेक्शन कंट्रोल में पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा, रिजेक्शन कंट्रोल, मटेरियल इश्यूएंस, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट में काम किया हो, दो पोस्ट हैं, 1+1। हैंडल ऐसे सेक्शन नंबर 1 सेट 4 में उन्होंने लिखा है, वेल्डिंग सेक्शन, इतनी बात से आप मुद्दे की बात समझ जाएंगे। और असिस्टेंट सुपरवाइजर प्रोफाइल है पैकेज 25+30 के, मतलब 20 से 30 का मान के चलिए मोटा मोटा, अब 30 के ऊपर वाले होने की बात में हो सकते हैं अगर वो इंप्रेस मार गए तो, ये इनका स्लैब इन्होंने जो दिया है। दूसरा क्वालिटी कंट्रोल में इन्होंने डिप्लोमा मैकेनिकल, 3 साल का एक्सपीरियंस उम्मीद करी है, जिसको इंस्पेक्शन एक्टिविटीज़ जो है उसमें इसमें हो विद रेस्पेक्ट टू इन ऐसे सेक्शन में हो, और विद रेस्पेक्ट टू फर्स्ट ऑफ लास्ट ऑफ इंस्पेक्शन, पेट्रोल इंस्पेक्शन, पोका योग वेरिफिकेशन एज पर कंट्रोल प्लान। मेरे ख्याल से ये बात सब समझ गए होंगे। और इनका एक रिमार्क है, फॉर HRG MBJLR 663 ऐसे सेक्शंस 25+ का पैकेज ये जा सकता है। बी मैकेनिकल के बंदे सिस्टम कोऑर्डिनेटर में होंगे, टू अंडरस्टैंड टेक केयर ऑफ रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू सस्टेनेबिलिटी, TISAC, SAQ, CO2 इमिशन एटसेट्रा एंड सपोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशन एक्टिविटीज़ फॉर सस्टेनेबिलिटी, TISAC, SKU रिलेटेड वर्क, SAQ रिलेटेड वर्क, ये 30+ का पैकेज हो सकता है। ये तीन टेक्निकल केवल प्रोफाइल हैं। अब देखो इसमें समझो आप, टेक्निकल में मैकेनिकल BTEC मैकेनिकल के अलावा और लोग कृपया करके अभी मत भेजें, पहले वो भेजें जो आप लोग एक्साइटेड हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल है मार्केटिंग के बंदे की, जो MBA या ग्रेजुएट है, 4-6 ईयर का एक्सपीरियंस है,
नए बिजनेस डेवलपमेंट की अकाउंट मैनेजमेंट प्लानिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट जानता हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से हो, इफेक्टिव कम्युनिकेटर विद एक्सेलेंट कस्टमर रिलेशनशिप में हो, प्रोफेंसी इन इंग्लिश, एक्सेलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केटिंग एंड नेगोशिएशन टेक्निक्स, विलिंग टू ट्रेवल सम टाइम, स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस स्किल्स रिक्वायर्ड। ये मुद्दे की बात हुई। और की रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं बात कर लूँ तो जनरल सब वही हैं जो होती हैं, बस मेजर मैं आपको बता दे रहा हूँ। वर्क विद इंटरनल फंक्शनल एरियाज, इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फिनांस प्रोग्राम, फोकस ऑन एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस, रिटेन, गेन एग्जिस्टिंग मार्केट कंप्यूटर, क्रिएटिंग प्रोडक्ट कॉस्टिंग, ये नया पॉइंट है, प्रोडक्ट कॉस्टिंग फ्रॉम स्क्रैच एंड निगोशिएटिंग विद कस्टमर्स ऑन टेक्निकल एंड कमर्शियल ग्राउंड टू जस्टिफाई योर कॉस्टिंग, डेवलप शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मार्केट फोरकास्ट, क्रिएटिंग कोऑर्डिनेशन एंड फॉलोअप ऑफ न्यू RFQs एंड एक्सटर्नली कन्वर्ट देम टू बिजनेस, ये और मंथली उनको MIS प्रिपरेशन आता हो, फॉलोअप अच्छा आता हो, और रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंट रिसीवेबल्स, ये इनकी पूरी स्टोरी है। इसमें 40 का पैकेज है, 20 के अंदर के पैकेज के लिए बीकॉम वाले स्टूडेंट की लॉटरी है ये, जितने भी बीकॉम के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए लॉटरी है, मेल मेंबर के लिए। अगर आप एक दो साल के हों, बीकॉम के हों, पर्सनालिटी अच्छी हो, बैंक वगैरह में जाके काम भी करना कुछ पड़ सकता है, उनके लिए बहुत अच्छा है। दूसरी प्रोफाइल है सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर फ्रॉम सॉक्स इंडस्ट्री। सॉक्स इंडस्ट्री का जो बंदा है, वैसे कानपुर में एक ही दो हैं जो कर रहे होंगे, समझ भी गए होंगे कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ। सुपर हाउस में मर्चेंडाइजर फ्रॉम सॉक्स इंडस्ट्री हैं, 35 का पैकेज है, इमीडिएट चाहिए। सुपर हाउस में एक वेब डेवलपर की प्रोफाइल आई है। गंगा इंफ्राबिल्ड में परचेज मैनेजर हैविंग ए रियल एस्टेट एक्सपीरियंस 40, अकाउंट कम स्टोर एक्सिक्यूटिव फॉर लखनऊ लोकेशन चाहिए, फूडिंग लॉजिंग वो देंगे, सेल्स ऑफिसर एक्सपीरियंस इन कंस्ट्रक्शन फील्ड की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। स्मार्क फार्मा में एक्सपीरियंस फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद एक्सीलेंट नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, 1 फ्रेशर फीमेल ऑफिस असिस्टेंट चाहिए इनको, वीके पैकवेल HR रिक्रूटर, जूनियर अकाउंटेंट का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कपिला ग्रुप में लोडिंग अनलोडिंग सुपरवाइजर, क्वालिटी सुपरवाइजर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में मैकेनिकल डिज़ाइन इंजीनियर हैविंग अ नॉलेज ऑफ ऑटो कैट सॉलिड वर्क, HR मैनेजर HR एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। वंसल पंप में BTEC डिप्लोमा मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेनी BSc MSc क्वालिटी कंट्रोल इंजीनियर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। कटारिया ग्रुप में क्वालिटी मैनेजर हैविंग ए सिविल एक्सपीरियंस 50 का पैकेज है। क्वालिटी ग्रुप में मैकेनिकल शिफ्ट इंचार्ज 50 का पैकेज है। श्याम उद्योग में इलेक्ट्रीशियन लाइजनिंग कम सेल्स ऑफिसर का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। तेजस्वना में अकाउंट्स का बंदा चाहिए, पंत की ऑक्सीजन में देसी सुपरवाइजर, मार्केटिंग स्टडी चाहिए इमीडिएट ज्वाइनिंग के लिए। कामधेनु में रनिया कानपुर में रिक्वायरमेंट है, दोनों जगह पे लोकेशन में फिटर वेल्डर, अभी एक वीडियो भी आपको अपलोड किया गया उसको जरूर देख लीजिए। एक्सपीरियंस कैंडिडेट का एक ज्वाइनिंग हो चुका है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए चाहिए। रिजेंसी में भी SQL डेटाबेस 400,000 to 600,000, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग 400,000 to 800,000, मार्केटिंग स्टडी फॉर लखनऊ 30, रुद्रा रियल एस्टेट कानपुर लखनऊ, DGM सिविल 600,000 to 1,200,000, स्पर्श इंडस्ट्री अकाउंट मैनेजर प्रोक्रूटमेंट 400,000 to 750,000, श्री सिद्धि कंप्यूटर ऑपरेटर फॉर बिलिंग, स्काईटेक सीनियर डिजाइन मैनेजर 400,000 to 800,000, फ्रेशर और मिनिमम सुपर हाउस में MIS PPT मेकिंग में मेल मेंबर की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, MBA BBA FDI टेक्सटाइल की अगर है तो और अच्छा है। डिज़ाइन मैत्री में फीमेल ऑफिस असिस्टेंट विद गुड कम्युनिकेशन स्किल, क्लाइंट डीलिंग इनको चाहिए, इनको मेल मल्टीपल वर्क एक्सपीरियंस वाली चाहिए। PS एंटरप्राइजेज ई टेंडर एक्सिक्यूटिव का अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। AK इंडस्ट्रीज में ऑफिस असिस्टेंट हैविंग ए गुड नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। हैवेल्स वेयर हाउस में MIS का की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। विक्रांत ग्रुप में बैक ऑफिस एक्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ MS ऑफिस चाहिए। मोनिटी में MIS एक्जीक्यूटिव की अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। महाबीर स्पिन फैब फीमेल CRM फॉर क्लाइंट सपोर्ट हैविंग ए गुड कम्युनिकेशन स्किल का अर्जेंट चाहिए। कपिला ग्रुप में ऑफिस एडमिन का रिक्वायरमेंट है। टू सुपरवाइज ऑल वर्कर एंड लुक फॉर ऑल वर्क एट फैक्ट्री लेवल पे बिलिंग जनरेटिंग डिफरेंट GD दिया है। फिटर सॉल्वेंट यूनिट और पैलेट मशीन के लिए फिटर चाहिए। FIBC का लूम वीविंग के लिए सीनियर प्रोडक्शन मैनेजर 2 प्रोफाइल हैं। स्पर्श इंडस्ट्री में एक्सपीरियंस अकाउंटेंट पेबिल स्पेशलिस्ट हैविंग अ नॉलेज ऑफ SAP 400,000 to 700,000 चाहिए।
तिरंगा अगरबत्ती में सेल्स मैनेजर फॉर यूपी वेस्ट 60 का पैकेज है, मेंटोरो ऑयल में लैब केमिस्ट फ्रॉम फूड इंडस्ट्री चाहिए, रोटोमैक पम्प में एक जीएसटी अकाउंटेंट चाहिए, प्रोडक्शन सुपरवाइजर में मैकेनिकल बैकग्राउंड के लिए 3 ईयर एक्सपीरियंस जिनका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में रहा हो वो पंग, इसमें अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर में मशीन ऑपरेटर सीएनसी के लिए अलग चाहिए, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए पीपीसी कैंडिडेट चाहिए, नमन गेस्ट हाउस में सुपरवाइजर जनरल मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए, मिनीमैक्स इंजीनियरिंग में बीएससी प्रोडक्शन सुपरवाइजर वीएमसी ऑपरेटर चाहिए, मारुति सुजुकी में वर्कशॉप मैनेजर फॉर रूमा लोकेशन सेल्स एग्जीक्यूटिव टीम लीडर सेल्स एग्जीक्यूटिव 25 अकाउंटेंट चाहिए, मेल रिसेप्शनिस्ट चाहिए। मारुति सुजुकी में एसबी कार में जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट है, पीके ट्रेडर्स में स्टोर सुपरवाइजर ऑफिस मैनेजर 15 का पैकेज है, इंडकोड में प्रोडक्शन मैनेजर 35 ऑफिस असिस्टेंट 15 का पैकेज चाहिए, रतन हाउसिंग में ऑपरेशन मैनेजर 50 एमआईएस टीम लीडर हैविंग एक्सीलेंट एमएस ऑफिस 40 सेल्स एडवाइजर एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, ओम ट्रेडिंग में फैक्ट्री मैनेजर हु कैन मैनेज होल फैक्ट्री इंडिपेंडेंटली थ्रू एचआर टेक्निक्स, W3 विला में आईटी के लिए ट्रेनी सॉफ्टवेयर डेवलपर चाहिए इनको अर्जेंट, ट्राइडेंट में मेंटेनेंस मैनेजर हैविंग ए साउंड नॉलेज ऑफ मशीन शॉप सीएनसी वीएमसी का रिक्वायरमेंट है, वर्ल्ड लाइन में फीमेल ऑफिस एग्जीक्यूटिव हैविंग ए नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस एंड टैली का चाहिए, एक्सपीरियंस हार्डवेयर नेटवर्क इंजीनियर चाहिए, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन टेक्नीशियन चाहिए। ये मेजर रिक्वायरमेंट आपके साथ डिस्कस करी हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब ये है कि आप अपने लेवल में जो शुरुआत में बात बताई है पूरा वीडियो देखिए, फिजिकली मिलिए, शेयर करिए, खुद भी एक्टिव पार्टिसिपेट करिए। थैंक यू फॉर टुडे जॉब एंड ड्राइव माई श्योर जॉब .com। थैंक यू।